एवरीवन, आप सभी संगीत में रुचि रखते हैं इसलिए हमारे चैनल को लाइक करते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है का आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे आपने बहुत बार गाया होगा या बजाया होगा तो किसी ने आपको ये बताया होगा, जिनसे भी सीखते हैं या चैनल्स पे भी देखा होगा कि काले बटनों पर उंगलियां आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, सफ़ेद बटनों पर उंगलियां आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। इसका भी एक पैटर्न होता है बजाने का, है ना, क्योंकि काली जो कीज़ होती हैं, ब्लैक कीज़, वो ऊपर की साइड होती हैं और जो वाइट कीज़ होती हैं वो नीचे की साइड होती हैं। तो हमारी फिंगर जो मैं अभी आपको हारमोनियम पर दिखाऊँगी, जैसे भी ऐसे जो भी चलती हैं हमारी 1 2 3 4 1 2 3 4, वो हारमोनियम के साथ भी मैं आपको बताऊँगी कि उसका चलन कैसे होना चाहिए। और काले बटनों पे अगर आपका अंगूठा आ जाता है बाई चांस कभी, तो वो आप उसको कम कैसे कर सकते हैं या उसे हटा कैसे सकते हैं, काले बटनों पर अंगूठा लगाना आप कम करें या हटाएं, किस तरह से करना है वो भी बताऊंगी, और ये ठीक है या गलत। क्योंकि देखिए, आपका गाना पहली बात तो अच्छा बजना चाहिए, आपकी नोटेशन करेक्ट होना चाहिए, एक फ्लुएंसी जो होती है वो फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके गाने बजाते समय, है ना, और गाते समय। बाकी तो एक चलन होता है, इसीलिए हमें बताया जाता है कि यहाँ अंगूठा लगाइए, यहाँ फिंगर से बजाइए। बाकी इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लें कि अंगूठा लगा दिया तो बहुत ज़्यादा आपने कोई गुनाह कर दिया, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरह से आप इसे डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, किस तरह से आपको दोनों का डिफरेंट पता लगेगा कि भाई अंगूठा हम कहाँ लगा रहे हैं, उंगली हम कहाँ लगा रहे हैं। तो इधर उधर की आप बेकार की परेशानियों से बचेंगे, बेकार की बातों से बचेंगे, और जो गलत इन्फॉर्मेशन आपको अगर मालूम है तो उससे भी बचेंगे। जितना हमने सीखा है अपने गुणी जन से वो हम आपको बताते चल रहे हैं। अब मैं हारमोनियम के साथ आपको बता रही हूँ कि किस तरह का चलन होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और फिर मैं बताऊँगी कि किस तरह से अंगूठा काले पे आना ठीक है या गलत है। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक हारमोनियम पे अपने हाथों को चलाने का एक तरीका होता है ना, क्योंकि ये काले जो बटन है, ब्लैक कीज जो है, ये ऊपर की तरफ है और वाइट वाली नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ऊपर फिंगर है तो आसानी से आ जाता है ना, और जब नीचे के स्वरों को वाइट वालों को करना होता है तो ये हमारा अंगूठा यहां से मुड़ के ऐसे आ जाता है, ठीक है। सारे गामा पधा सानी राप मगरे सा, ये आ गया, कॉर्ड दबा रहे हैं तो ये अंगूठे ऐसे करके हमारा क्रॉस करके नीचे आ गया, ठीक है। ये एक पैटर्न है, जैसे मान लीजिए कहीं से भी बजा लीजिए, यहां से बजा लीजिए सारे गामा, तो सारे वाइट पे अंगूठा नहीं लगा ना, कहीं पे उंगली भी आई है, देखिए ये कोशिश करें कि सारे सफेद वाले बटनों पे अंगूठा लगाया जाए तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते ना। अगर हम करेंगे तो सारे गामा पाधानी, तो वो ऐसे तोड़ना पड़ेगा स्वर को, बिना तोड़े हम बजाएंगे तो बताया भी यही जाता है, हम भी यही बताते कि ये पहले से हुआ, ये फिंगर यूज किया, फिर अंगूठाया, फिर फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिंगर, इस तरह से होता है। लेकिन कभी हम कोई गाना बजा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी गाना बजा रहे बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, अंगूठा आ गया ना। लेकिन जब रिपीट करें बहुत प्यार करते हैं, अब बहुत प्यार लग गया अंगूठा, तो आप ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपका कोई ऐसा अपनी बहुत कोई मेजर मिस्टेक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो चलन से थोड़ा हट गया, ठीक है, कंफर्टेबल आपको लगना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर अंगूठा आप लगाते हैं काले बटनों पर, कोशिश करें कि नहीं लगे, और लग रहा है तो दैट इज नॉट रॉन्ग, वो आपका गलत नहीं है, ठीक है वो, उसमें कोई भी आपको कहे तो बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि आप गलत हैं उस चीज़ में। कोशिश यही रहनी चाहिए कि काले बटनों पर उंगली और सफ़ेद बटनों पर, सफ़ेद बटन पर हमारा अंगूठा है, सारे सफ़ेद बटनों पर अंगूठा है ये भी पॉसिबल नहीं है। और इतना सारा बजाते हुए, बहुत सारा कुछ बजा रहे हैं हम, तो बिल्कुल हमारा ध्यान रहे कि हमारा भाई ऊपर अंगूठा नहीं आना चाहिए, तो आपका बजना सही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से बजाते हैं, तो क्या है? वो नहीं बजाते हैं, वो भी तो बजाते हैं, अच्छा बजना चाहिए हारमोनियम आपका, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए, स्वर अच्छे से लगने चाहिए, ठीक है। अंगूठा यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कुछ एक और गाना ले लेते हैं, हम गाते हैं जैसे
बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। अब बार बार दिन, अब आगे ना अंगूठा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप बिल्कुल आप बिना झिझक के बजाइए। एक और बात बताती हूँ, मान लीजिए कोई कॉर्ड दबा रहे हम, ठीक है, ये कॉर्ड दबाए हमने, सा ग प, सा ग प, ठीक है। अगर चार का देना है कॉर्ड तो देखो, अब मतलब सा ग प और सा रिपीट किया, तो मैंने अब ये वाली उंगली को भी लगाया लास्ट वाली को, तो अभी आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो गलत है, नहीं तो वो तो यूज़ होती ही नहीं है, छोटे वाली उंगली तो बहुत बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, बहुत रेयर यूज़ होती है, जब कहीं से जंप करना होता है तब यूज़ होती है, नहीं तो ये वाला उंगली तो यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसको भी आप गलत कहेंगे, नहीं, अगर हम ये कॉर्ड दबा रहे हैं सा सा गा सा गा पा सा, ठीक है, तो कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, क्योंकि आपको चार स्वरों का कॉर्ड देना है, तो अगर ऐसे देंगे आप, ठीक है, मान लीजिए तीसरी काली से दे रहे हैं आप कॉर्ड सा गा पा पा सा ग पा, तो अंगूठा भी लग गया इसमें, तो ठीक है जी। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब यही है, आप हारमोनियम बजाने के नियमों का बिल्कुल पालन कीजिए, जिस तरह से आपके गुरु आपको समझा रहे हैं, हम भी जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं, स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि ये चलन होना चाहिए, सबको मालूम है, लेकिन अगर तो इसमें इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत सारे, जब कभी बजाती हूँ तो बहुत सारे लोग इस तरह से कमेंट करते हैं कि हाँ ठीक है या गलत है, तो ऐसा कोई नहीं है, आपको ब्लैक कीज पे अंगूठा लगाना कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, आपका हारमोनियम अच्छे से बजना चाहिए बस, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद यही था, शायद ही किसी ने आपको बताया हो, क्योंकि मुझे तो जैसे मेरे गुरु ने बताया मैं वैसे ही आपको बता के चल रही हूँ, इस चीज़ को कंफर्म करके आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं अपने मन से बता रही हूँ, मेरा मन जो कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और जो मैं जो भी टैली करती हूँ अपने सीनियर से, उसको समझते हुए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से बिल्कुल बिंदास होकर हारमोनियम बजाइए, बहुत अच्छे से सीखिए, जैसे भी बजाइए लेकिन स्वर में बजाइए, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही साधना के साथ बजाइए, और जहाँ साधना आ जाती है वहाँ सभी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। तो संगीत को बहुत साधना के साथ रियाज कीजिए और इसी तरह से बजाते रहिए। नमस्कार।